For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi guys, I'm Shafak Naz and you're watching Movies Adda. Please subscribe. So hello Shafak, first of all, welcome to Movies Adda. Thank you so much, thank you. Itna khubsurat trailer hai Halala ka aur aap itni simple, itni gorgeous aur itni zyada, I mean, you know, dari aur sehmi hui lag rahi hai, which is proving itself ki, you know, ki aapne apne character ko bahut achhi tarike se jiya hai. To kaisa experience tha is tarike kisi web series mein kaam karne ka? Thank you so much for the lovely compliments and I think agar aapko wo dikh raha hai usme trailer mein ki main dari hui, sehmi hui aur aisi lag rahi hu, to I think thoda bahut kaam ho gaya hai. Ha, so I'm really glad. And experience mera Halala ka, I think ye main puri zindagi yaad rakhungi. And this film is really really close to my heart because main hamesha se chahti thi ki main ek aise kisi ek aise social you know mudde ka hissa banu jisme main logo ko bata sakun, thoda hi kuch hi logo ko hum bata sake, but you know unko bata sake ki aisi cheeze यू नो नहीं होनी चाहिए. और किसी एक सोशल मुद्दे का बेसिकली पार्ट बनना ही अपने आप में मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. और आई एम ग्लैड कि मैंने ये फिल्म की. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने मेरा पहली पूरा नरेशन के बाद ही मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि इट्स अमेजिंग एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस सच कॉज. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये किया एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. ओके, जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बखूबी ट्रेलर में दिखाया गया, यू नो, मुझे ऑनेस्टली सेइंग मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है. काफ़ी लोगों को इंडिया में शायद आज भी नहीं पता है. सो इससे पहले आपको क्या पता था इस बारे में कैसा कुछ होता है? सी मैंने बहुत पहले मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कब, बट मैंने बहुत पहले मैंने कभी सुना था कहीं पे कि ऐसा कुछ होता है. अब वो लिखा है कि नहीं लिखा है या वो कैसे आया है, क्या हुआ है, इस सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. और ये आप कहीं पूछने भी जाओ ना अगर किसी से, तो लोगों के अपने अपने बहुत सारे ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं. तो आप उसको उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में जाने में आपको समझ नहीं आता कि ओके ये क्या हो रहा है. बट ऑल आई बिलीव कि ये बहुत ही गलत चीज़ है जो कि आप यू नो धर्म के नाम पे ऐसे सब नहीं होता है. दिस इज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन. आई थिंक एक अच्छे इंसान, एक इंसानियत के नाते भी आप किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते. और मैं इतना सब बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने शूट किया है. और हर सीन को करना, हर एक सीन के बाद में मैं इतना मेंटली ड्रेन्ड हो जाती थी. मैं इतना ज़्यादा मुझे मेंटली लगता था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए, ये क्या हो रहा है. और वो पूरे प्रोसेस में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि ये किसी के साथ कहीं पे हुआ है और मे भी शायद इससे भी ज़्यादा वर्स हुआ है. और वो उस फीलिंग के साथ जी रही है या उसने सहा है. वो उनका आज के टाइम में उनको क्या मेंटल स्टेट में होते होंगे, आप यू नो यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट पेन. एंड एक औरत होने के नाते तो इट्स वर्स. आपने पूरी ना अंतर आत्मा आप किसी की आपने हिला दी. आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग. So you know I can imagine how difficult it is to you know handle, to be in such situation. And it's just terrifying and it's terrible. अच्छा, जैसे कहा जाता है, you know, जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं ऑन स्क्रीन, तो उसका कुछ हिस्सा उनके जहन में हमेशा रह जाता है. सो इस वेब सीरीज से, इस कैरेक्टर से आपके जहन में ऐसा क्या है जो शायद लाइफ टाइम आपके साथ रह जाएगा? सी इसका हर सीन में ऑनेस्टली इस पूरी फिल्म के हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो मेरे जहन में रहता था. बट एक चीज़ मेरे दिमाग, मतलब आप एक्चुअली इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्टोरी. तो मैं इट्स देयर इज़ अ सीन, मैं पूरा बता नहीं पाऊँगी. मैं वो सीन नहीं बता पाऊँगी. बट या इतना ही बोलूँगी कि एक लड़की किसी अपने हस्बैंड से प्यार करती है और उसके पास जाना चाहती है, और उसके पास जाने के लिए उसको इतना सब कुछ सहना पड़ता है. सो दैट इज़ द थिंग, यू नो, टू बी विद योर लव. और आप यू आर गोइंग थ्रू सच पेन
दैट इज़ द थिंग आई एम लाइक ओके यू नो आप खुद अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सबसे पहले मोर देन एनी थिंग उसके बाद में कुछ और आता है आई थिंक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है इस दुनिया में जैसे यू नो एजाज हैं साथ ही दीपिका भी हैं तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था मैं ऑनेस्टली बोलूँ मैंने एजाज के साथ सीन किए बिकॉज एजाज इज़ प्लेइंग माई सेकेंड हस्बैंड बट मैंने दीपिका के साथ काम नहीं किया है मैं जिस दिन वो शूट कर रही थी वो उस दिन मैं थी वहाँ पे आई हैव नॉट वर्क विद हर बट या आई हैव सीन हर वर्क एंड आई हैव सॉरी मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा था एंड शी इज़ अ लवली एक्ट्रेस लाइक आई डोंट नीड टू से दैट एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो दिक्कत आ रहा है और रही एजाज के साथ काम करने की बात तो एजाज और रवि दोनों के साथ मैंने आई थिंक मेरे लिए तो जितना डिफ़िकल्ट था उतना था बट इन दोनों ने ही मुझे इतना कंफर्टेबल किया है कि मैं उस चीज़ को यू नो पोर्ट्रे कर पाई लाइक मैंने पहले भी बोला इट्स ऑल गिव एंड टेक एंड इनकी हेल्प की वजह से मैं शायद वो उतना निकल के आ पाया एजाज हमेशा कुछ ना कुछ सीन कर रहे होते थे कि अच्छा लिसन यू नो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं या तू इसको ऐसे करके देख सो यू नो वो चीज़ ने बहुत चार्ज्ड अप रखा एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव गॉट सच गुड टीम एंड गुड एक्टर्स एंड या इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑन स्क्रीन तो हमने देखा ही कि एजाज ने आपको कितना टॉर्चर किया है लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री होती थी आई मीन सेट पे कैसा माहौल होता था वाज इट फन Yes, it was fun. See, it was fun, but हमारे scenes इतने intense होते थे कि वो fun ना कहीं वो मतलब दिमाग से निकल जाता कोई pressure नहीं होता था हमारे ऊपर It just that आपके character में इतने चले जाते थे तो वो उतना वो fun वाला time नहीं मिला है हमको तो जब हम shoot भी कर रहे थे ना एजाज मुझे बोलता है कहता है अभी मुझे तेरे साथ shoot करते हुए 4-5 दिन हो गए मैं तुझे smile करते हुए नहीं देखा है And you know, even I realized कि हाँ मैं तो स्माइल कर ही नहीं रही हूँ सो इट वॉज़ यू नो दैट इंटेंस या बिकॉज यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे कैसे सीन्स हैं उसमें और क्या किस यू नो मेंटली आप सिचुएशन से निकलते हो बट या ही इज़ अ लाइक ही इज़ अमेजिंग एक्टर ही इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर एंड इनपुट एजाज ने अपना बहुत डाला है और मुझको भी बहुत सारी चीज़ें बताई सिखाई हर सीन के बाद जो भी मारपीट का जो भी सीन होता था उसमें वाज लाइक यो ओके तू ठीक है ना लाइक नो आई एम एब्सोल्युटली फाइन सो या दैट मेड मी रियली कम्फर्टेबल तो इश्फाक जाते जाते व्यूअर्स को और फैंस को क्या बोलना चाहेंगी कि क्यों उन्हें ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए एक ऐसी USP मैं यही बोलना चाहूँगी कि इसको प्लीज़ धर्म और जाति के ऊपर ना ले जाकर इसको आप एक किसी इंसान के आई थिंक हम सबको ओपिनियन रखने का हक है तो आप इसको एक प्रस्पेक्टिव के नज़रिए से देखने का ट्राई कीजिए और थोड़ा सा इंसानियत के नाते समझने की कोशिश कीजिए एंड आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न मैं और कुछ दे नहीं सकती हूँ फ़िलहाल और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज़ देखिए एंड या जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग थैंक यू सो मच शफाक एंड वी होप कि ये वेब सीरीज़ सबको बहुत पसंद आएगी एंड ये इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए प्लीज़ आप भी बोल दो कमेंट सेक्शन में आपकी बात मानेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा और हलाला देखिए और अपने अच्छे व्यूज़ दीजिए थैंक यू